सौत जगह प्रस्ताव विष्णु कुमार और यह सौत बाद देता देवी सचिव रही भाई अक्षर विष्णु दामन चलो फिर काशी में आए काशी में पहुंचे जाए ब्राह्मण बैठे भाई हाथ जोड़ दामन पैसे ब्राह्मण और श्री महाराज करे उपासन सत्यम हमारे और श्रीमान एक से चार रुपए का पुरस्कार विजय सिंह ग्राम फतेहपुर निवासी 51 रुपए देता दे कर अरे पंडित जी है कहाँ है अरे सामने आ रहे हैं आज ही रात ही पे हवा का पावन बन रहे हैं पंडित आप को पढ़ा मालूम क्या कर रहे हैं अब कर गई हो पंडित जी अरे भजन कर रहे हैं अब अच्छा भजन कर रहे हैं अब पूजा कर रहे हैं हाँ भाई पूजा अच्छा भजन एक बात बता पंडित जी आधी रात पर पूजा कैसी है पूजा ना करता मैं नहीं करता अच्छा भाई नहीं करता पंडित जी हाँ बड़े तुम्हारा हाथ गए तेरे के डाले लू हाँ पूजा को ये टाइम हो चुका है अच्छा तेरे इधर के ना बाहर उम्र है तो आधी रात कितने रहते खाना हो चुका है तो हाँ तेरे के भैया तो कर लो तुम कर लो तो अब क्या बात है पूरा खंड लगे भाई बता रहा कर दो तो अच्छा खबर दे रहे तो पंडित जी एक बात बताओ जी बताओ बोले जी बता हां तू भेजा तो है तू है तो रे बता रे धावनु इसका बेटा ही खाली है मोटे मोटे और बैठे के लड़े के देखो मेरे अरे पंडित जी हां धावन नाव में जाया का सिखायो अरे निकल के बाहर आओ और थोड़ा बोले हाथ गहरे में अरे ना ना कुछ ना जाए वो ये झोंकी का बोले बोले ना तो वहां पहुंचाना है देखो पंडित जी जितना तो भाई तो शायद लल्लू की दिखलाएंगे महाराज और ताजु बुलाए के और ये श्रीमान संजू और ये बंडा निवासी और ये 100 रुपए देते हैं खुश रख के सदा वाणी का पंजरा अरे रानी के भाव है रानी के भाव हां सीधी कमाई जो गवा में जा रही है और का तो अगर आ जाके बता दे तो देखो पंडित जी और देखो पंडित जी कई पत्र धर लूंगो और कई पोती धर लूंगो और तुम्हें उधर लूंगो ठीक है पर मैं मिलेगा ताने पे आधा आधा ले लूंगा तो लूंगा तो कर हाँ बोरा ले तो पत्र धर ले और भाई भी साठक धर ले और भाई भी तू पोती धर ले अच्छा जो मिला तू ले जा चलो पंडित जी ओ अगर हूँ अगर बात बताई दे तो हाँ तो तुम्हें कह के ले जा तो ले लूंगा और धरनी पर एक पत्र धरनी पर एक बहुत धरना पड़े तो पचन अच्छा चलो ठीक है मैं नौकरी कई चौकरी तक धरने पर ला दे Bye.
Thank you.